हेलो एवरीवन, प्लीज इग्नोर माय लेफ्ट आई का जो लाइनर मैंने लगाया है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आईज में से बहुत पानी निकल रहा था, क्योंकि बिकॉज आई शेडो जो मैं लगा रही थी वो बहुत पाउडरी थी, मेरी आंख में चले गए थे, तो मेरा पानी जब आंख में से निकल रहा था वो रुक ही नहीं रहा था, तो वो अच्छे से इग्नोर कर जरूर कीजिएगा, मतलब सॉरी कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं फर्स्ट रिव्यू इस ब्लू हेवन पैलेट का, बिकॉज आई नो सब लेते हैं, सबके पास होगा ही ये, पर मैंने पहली बार लिया तो सोचा मैं इसके ऊपर फर्स्ट रिव्यू करके दिखाऊं और इसके साथ एक आई लुक क्रिएट करके दिखाऊं। तो मैंने ये वाला आई लुक क्रिएट करके दिखाया है, और मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि सनलाइट में ये लुक ऐसा लगता है, ऑफकोर्स मेरी ट्यूब लाइट है इसमें इतना नहीं ये दिखता है, ये लुक क्रिएट किया हुआ इतने कलर अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के पहले ही दिखा दिया सनलाइट में कि वो लुक कैसा लगता है बाहर सनलाइट में, बाहर बाहर की लाइट में। तो आई होप आपको वो लुक पसंद आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट जरूर करें, बिकॉज आपकी हेल्प से ही मैं आगे जा पाऊंगी, आपके सपोर्ट से ही। और आई थिंक दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, मेरे जहां तक मैं सोचती हूँ, दिल्ली वाले जान देखते हैं यूट्यूब, तो दिल्ली वालों का बहुत बड़ा दिल है, तो प्लीज बड़े दिल में मुझे भी थोड़ी सी छोटी सी जगह दे दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ लाइक और वीडियो को। एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगी, ये पैलेट ठीक है, मतलब आई शेडो पैलेट ये ठीक है ब्लू हेवन का, बट इतना पिगमेंटेड नहीं है ये, कुछ कुछ कलर इसके पिगमेंटेड है कुछ नहीं है, बट फिर भी चलो अच्छा ही वर्क करता है ये, ठीक ठीक वर्क करता है। और इसके साथ ये छोटा सा स्पैचुला मिलता है इसके बीच में जो दिख रहा है आपको, छोटा सा है, यही देते हैं तो अपने ब्रश यूज करने पड़ते हैं। बाकी सब इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी स्मेल आती है इसमें से, बट यूज करने के लायक है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, और किसी पार्टी मेकअप में भी, न्यू ईयर पार्टी मेकअप में भी। तो चलिए आज के वीडियो। तो मैंने पहले ही अपने NYB का कंसीलर लगा के कॉम्पैक्ट से NYB के कॉम्पैक्ट से सेट कर ली थी अपनी आईज को। अब उसके बाद मैं एक अपना एडियस का आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर लेकर एक लाइन ड्रॉ करूँगी, कट क्रीज बनाने की मैं सोच रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है ब्लैक आई शेडो से, और ये ब्रश लिया है मैंने अपने जेल आईलाइनर का, उससे मैंने अपनी यहाँ पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है कट क्रीज के लिए। अब उसके बाद मैंने टेप लगाई है आईज में ताकि अच्छा लुक आए और बिगनर्स के लिए हेल्प करता है, और मैंने एक पिंक लाइट पिंक कलर लेकर अपने इसी लाइन के ऊपर अब अप्लाई किया है, एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और स्मच कर रही हूँ। इसके बाद मैं डार्क पिंक कलर लूँगी और एक फ्लैट फ्लपी ब्रश की हेल्प से अपनी यही क्रीज लाइन पर, इसी लाइन पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी स्मच करते हुए। और इसके बाद मैं इसमें से ये डार्क पर्पल कलर लूँगी और इसी पैलेट ब्लू हेवन के पैलेट से ही ये स्प्लैश जो आया था उसी की हेल्प से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं NYB का कंसीलर लेकर एक कट क्रीज बनाऊँगी यहाँ पर, अपनी पूरी आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करके एक कट क्रीज बना लूँगी, और ये बहुत ही स्मॉल फ्लैट ब्रश है। तो मैंने ये कट क्रीज बना ली है, ये कुछ इस तरह की बनी है, कोशिश तो थी कट क्रीज बनाकर करने की, बट इसके बाद मैं ये वाइट शेड लूंगी, आई शेड कलर लूंगी और अपनी आईलिड के
इनर कॉर्नर्स की तरफ आई थर्ड में अप्लाई करूंगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब इसके बाद मैं इसी फ्लैट में से ये येलो कलर लेकर, येलो आई शेड कलर लेकर अपने आईलिड के बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूंगी। अब इसके बाद मैं लाइट पिंक लेकर अपने आईलिड के इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी अच्छे से। इसके बाद मैं डार्क पिंक कलर लेकर इसे भी अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करके अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। अब इसके बाद मैं ये डार्क पर्पल कलर लेकर ये भी अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाकर अच्छी तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक आईलाइनर के टाइप में ब्लेंड करूंगी। और उसके बाद फिर ये ब्लैक कलर भी सेम ऐसे ही लगाकर अप्लाई करके ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं ये डार्क ब्लू कलर लेकर ये भी इसी तरह आईलाइनर की तरह तरह अपने आउटर वी में अप्लाई किया है मैंने। और इसी इसके बाद मैंने लाइट पिंक अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है, लाइट पिंक करके फिर डार्क पिंक, ऐसे हम लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। इसी तरह मैंने नीचे भी इसी तरह मैंने किया, अपने लैश लाइन पर, लोअर लैश लाइन पर लाइट से डार्क की तरफ गई हूँ। और उसके बाद उन सब कलरों को मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से समझ कर लिया सबको, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना लगे। अब इसके बाद मैंने ये येलो कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर्स में, आईज के इनर कॉर्नर्स में लगाया है। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ NYB का। और यहाँ मैं विंग क्रिएट करूँगी, यहाँ मैंने विंग बनाई है। आप चाहे तो विंग बना भी सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या सिर्फ लाइनर पतला सा लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने मैक का मस्कारा लगाया है, मैं फॉल्सेस नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है फॉल्सेस से। इसके बाद मैंने काजल लगाया है NYB का, और ये मेरा कंप्लीट लुक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।